ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है ना। तो बचकाने क्वेश्चन के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहिए हमेशा ही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये इट्स देखो, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग साथ में थोड़ा वो सीखते जाते हैं, वैसे आप लोग तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इट्स क्या होता है, इट्स का मतलब होता है इसका, और कई बार ऐसा लिखा होता है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इट इज, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर इट हैज वाले सेंस में भी आ जाता है, बट मेनली आ जाता है इट इज, ठीक है। तो आप बोलते हैं इट्स रेनिंग, तो वो हो जाएगा इट्स रेनिंग, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है इसके, उस वाले सेंस में आएगा तो इट्स आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने साइड में थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, इसलिए मैंने बताया कुछ है नहीं इसमें यार, इतना सिंपल है, इसके प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, करते चले जाइए। 140 है, क्या हो जाएगा 2702 थ्री टाइम्स, फिर 10535 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से करेंगे 1 हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा 140, क्या मिलेगा 140 हो जाएगा 5 into 7, राइट, ये आपको 140 मिल गया। 156 का कर लीजिए, ये क्या मिलेगा 156, 2, 7 टाइम्स 1 बचा, 1 और 6 क्या हो गया 78, फिर 2 से किया क्या हो गया 3 एंड 9, 39, 3 से जाएगा 13, फिर 13 से 1 टाइम्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 13, राइट, 3825 का। तो देखो, देखते ही मुझे समझ में आएगा कि 2 से तो नहीं जाएगा, तो उसके बाद से मैं 3 से देखता हूँ, 5 + 2 = 7, 7 + 8 = 15, 15 + 3 = 18, 18 divisible by 3, राइट, 3 6 = 18, 3 6 = 18, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा 1 2 7 5। अब देखिए 7 + 5 = 12, 12 + 2 = 14 + 1 = 15, तो ये भी डिविजिबल है, ये देख लीजिए 4 2 5, 5 2 7 + 4, अब डिविजिबल नहीं है, लेकिन अभी 5 से डिविजिबल है। हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, पहले 2 से देखते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। यहाँ पे क्या करेंगे 5 से 8, 2 and 5 = 85, फिर आपने 5 से किया क्या हो गया 1 7 17, ये हो गया 1, ये क्या आ गया इसका मतलब 3 8 2 5 का क्या आ गया, तो 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज व्हाट, से 3 into 3 into 5 into 5 into 17, बस हो गया। यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर है, और जिसको हम लोग ये सब कैसे कर रहे हैं, ये लोग हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कर रहे हैं, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसी के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, और जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 3825 को आप कभी किसी और प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिख पाओ, कभी नहीं लिख सकते, यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा, हमेशा यूनिक है ये। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो भी अगर मैं आपको बोल दूं कि असेंडिंग ऑर्डर आएगा तो फिर वो फिक्स्ड हो जाएगा, राइट। 5 + 5 = 10, यानी कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से तो पहले ही नहीं है, आराम से दिख गया, ठीक। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से करेंगे मिल जाएगा 1001, फिर क्या मिलेगा। अब देखिए ये 5 से नहीं जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं 7 से आकर के देख सकते हैं, 7 से देखिए, तो 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 = 7, 3 and 0 = 7 4 = 28, 2 बचा था 2 and 1 = what 21, यानी कि 7 से जा रहा है, राइट, 7 से चला गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 1 4 3 है, अच्छा ये फिर से 7 से जा रहा है क्या, 7 2 = 14, फिर 3 रिमेनिंग बचेगा, यानी कि 7 से फिर नहीं जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 7 के बाद आता है अगला प्राइम नंबर 11, 11 की डिविजिबिलिटी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है 121 है जैसे, तो आप जो भी ऑड नंबर पर जो कुछ भी लिखा हुआ है 1 + 1, यहाँ पर ये ऑड प्लेस है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये ऑड और ऑड को आप ऐड कर दीजिए, और जो इवन इवन उनको भी आप ऐड करते जाइए, ठीक है, तो वो कितना है 2। अब ऑड का जो भी समेशन आया था और इवन का जो भी समेशन आया था उसका डिफरेंस ले लीजिए, वो डिफरेंस क्या आ गया 0, और अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, राइट। तो अच्छा आप ऐसे देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक तो अपना एग्जांपल हो गया 143, राइट, 143 में क्या हो रहा है 1 और 3 को आपने ऐड किया कितना हो गया 4, और ये बीच में भी 4 है, तो 4 से 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 तो 11 से डिविजिबल है 0 टाइम्स, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप इसको भी देखो 1001 को देखो, 1001 में क्या हो रहा है पहला और तीसरा, यानी फर्स्ट और थर्ड प्लेस को आपने ऐड किया, क्या मिल गया आपको 1,
अब सेकंड और फोर्थ को क्या मिल गया, जीरो प्लस वन इज ऑल्सो वन, वन से वन को आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ इसलिए मॉड लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं मॉड। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इससे क्या होता है, जो डिफरेंस मान लीजिए कोई नंबर ऐसा था 1-12 आ जाता, तो आप -1 -11 नहीं लिखेंगे, उसको 11 ही लिख देंगे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 12 से आपको 1 डिडक्ट करना चाहिए था, राइट। तो हमेशा जो मॉड के अंदर आता है वो पॉजिटिव आता है, ये हायर क्लास की बात है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन पॉइंट इज 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट प्लेसेस को ऐड कर देते हैं और फिर इवन वाले प्लेसेस को ऐड कर दिया, दोनों का डिफरेंस देखा, अगर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 तो वो 11 से डिविजिबल होगा। यहां पर ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल है, 11 × 11 3 आ गया, 3 × 3 = 13, और फिर आपने इसको 13 से किया ये आ गया, इसका मतलब 5005 क्या हो गया, 5005 इज कैन बी रिटन एज 5 × 7 × 11 × 13, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे बड़े नंबर पर जो है हमारा 7429। 2 से तो डिविजिबल नहीं है, दिख गया, 3 से है क्या, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 5 से है क्या, 5 से भी नहीं है, 7 से है क्या, 7 से भी नहीं है, 11 से है क्या, 7 + 2 = 9 एंड 9 × 4 = 13, तो 13 से आप 9 डिवाइड करोगे तो बचेगा 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से करके देखा तो 13 × 5 = 65 आ जाएगा, क्या बचेगा, 9 × 2 ये 13 से भी नहीं, क्योंकि 9 × 2 आ जाएगा तो 13 × 7 = 91, 1 बचा 1 and 19 = 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, ठीक है, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, ये किससे डिविजिबल है, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है आप, काफी जैसे जैसे प्राइम नंबर बड़ा होता चला जाता है ना वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। हम लोग देखेंगे 17 से, 17 × 4 = 68 मिलेगा, बचेगा 6 और 2 आ जाएगा, 17 × 3 = 51, फिर बचेगा क्या 11, और 11 के बाद 9 आएगा तो 17 × 7 = 119, यानी कि 17 से डिविजिबल हो रहा है, देखते हैं 17 × 4 = 68, 6 बचा, 6 × 2 = 62, 17 × 3 = 51, 11 इज रिमेनिंग, 11 एंड 9 कैरी आ जाएगा तो 1 and 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 437, राइट। अब ये फिर से 17 से डिविजिबल है क्या, 17 × 2 क्या हो गया 34, बचा क्या 9, 9 × 7 = 97, तो ये डिविजिबल नहीं है, 19 से है क्या, 19 से डिविजिबल है, 19 × 2 = 38, 5 remaining, 5 and 7 is 57, 19 × 3 = 57, ओके। अब 23 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 23, यानी कि ये क्या हो गया 7429, ये हो गया आपका 17 × 19 × 23। और आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी कहीं बहुत बड़ा प्राइम नंबर दे दिया जाए, है ना, बहुत बड़ा प्राइम नंबर दे देंगे तो फिर आप डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, उसकी डिविजिबिलिटी आप देख नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा है 17 तक आया है, 17 करने में भी थोड़ा टाइम लग गया आपने को, राइट, इससे बड़ा आएगा नहीं, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हो जाता है कंप्लीट। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।